साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो बरसों पुरानी अस्थमा, खांसी या फिर जिनको बार बार छींक आता है, सर्दी जुकाम बना रहता है, गाढ़ा बलगम आता है या फिर नाक में अगर हड्डियां बढ़ गई हैं, कान में आवाज आता है, सिरदर्द बना रहता है या फिर गले में सूखी खांसी बनी रहती हो, तो मात्र एक हफ्ते के अंदर आप इससे छुटकारा पा जाएंगे। चाहे कितना भी पुराना हो, 20 साल 25 साल से अगर आप परेशान हैं तो आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। ये इस दवा की गारंटी है और इस दवा का नाम है दिवजोत का आस्था केसरी। इसे आप अमेजन से और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस सिरप से गारंटी में इलाज पाना चाहते हैं तो इसके कस्टमर केयर पर आप कॉल करके अपनी परेशानी को बता करके सारा समाधान पा सकते हैं। ये जो कस्टमर केयर नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ से आप अपनी समस्या को बता करके अपना संपूर्ण समाधान पा सकते हैं। और ये दवा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है हर प्रकार की सांस से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए। तो इसको लेने का तरीका क्या है, इसे आप कितनी मात्रा में पिएंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको संपूर्ण समाधान हो जाएगा और आप इसको इजीली अपने घर बैठे मंगवा भी सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय प्रकाश गुप्ता और आप इस समय देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी को। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या ऑटो प्ले पर देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विजय आस्था केसरी सिरप पूरी तरह से आजमाया हुआ सिरप है और ये हर्बल है, ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और इस सिरप में ऐसी जड़ी बूटियों को मिलाया गया है जो सांस से संबंधित सारी समस्याओं को जड़ से ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। चाहे कितना भी पुराना समस्या क्यों ही ना हो, दमा कितना भी पुराना हो, आप अगर पंप ले रहे हैं यानी अगर आप कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हेलर ले रहे हैं, तो आपको मात्र एक हफ्ते के अंदर इससे छुटकारा मिल जाएगा। आप इस कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्याओं को बता करके आप इस सिरप से गारंटी में इलाज करवा सकते हैं। और इस सिरप को जितने लोग भी इस्तेमाल किए हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उनको मात्र एक हफ्ते के अंदर जो इन्हेलर ले रहे थे वो छूट गया और बरसों पुरानी खांसी जिनको आ रही थी वो भी ठीक हो गई। जिन्हें बार बार छींक आता रहता है, बार बार नाक से पानी गिरता रहता है, गाढ़ा बलगम आता रहता है या फिर गले में खराश बना रहता है, सदियों से उनके सीने में बलगम जमा हुआ है, तो इस सिरप के इस्तेमाल से उनकी सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। ये इस दवा की गारंटी है। अगर आप इसको अमेजन पर रेटिंग देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया रेटिंग मिला हुआ है, तो आप इसको अमेजन से, इसके वेबसाइट से या फिर कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करके मंगा सकते हैं। अब आइए जानते हैं इस सिरप को हमें इस्तेमाल कैसे करना है। साथियों, आस्था केसरी सिरप काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है तो इसे पहले अच्छी तरह से हिलाना है। लगभग आपको 3 से 4 मिनट तक इस बॉटल को अच्छी तरह से हिलाते रहना है और जब आप इसको अच्छी तरह से हिला लें, आपको लगे कि इसमें सारी जड़ी बूटियां जो मिलाई गई हैं वो मिक्स हो चुकी हैं, तब आपको गुनगुने पानी में मिला करके पीना है और इस सिरप को खाने के बाद में लेना है। इस सिरप को 5 साल के ऊपर उम्र वालों के लिए दे सकते हैं। अगर 5 साल से नीचे हैं या फिर गर्भवती महिलाएँ हैं तो उनको इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और बड़ों को ये 10 से 15 ml पीना है सुबह शाम दोनों समय, खाना खाने के बाद में गुनगुने पानी में मिला करके। और अगर आप इस सिरप के बारे में डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं तो इसके कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या को बता करके अपना इलाज पा सकते हैं। और इसकी MRP जो है आपको 699 रुपये देखने को मिलेगी, 200 ml सिरप का दाम। तो अगर आप हज़ारों रुपये खर्च कर चुके हैं अपनी दमा की बीमारी के पीछे, खांसी की बीमारी के पीछे या फिर एलर्जी आपको बनी रहती है, तो एक बार आप 700 रुपये खर्च करके इसे भी आजमा लीजिए, आपको 101% लाभ मिलेगा। मैं इस सिरप को कई लोगों में देकर के देख चुका हूँ, इस सिरप से उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है। वो लोग इन्हेलर ले रहे थे, पंपिंग ले रहे थे, लेकिन इस सिरप के इस्तेमाल से वो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा चुके हैं। अब उनको कोई भी इन्हेलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो हुआ इस सिरप के बारे में जानकारी। अब आइए जानते हैं इस सिरप में क्या क्या मिलाया गया है, किन किन जड़ी बूटियों को मिला करके बनाया गया है। तो इस सिरप का जो फार्मूला है काफ़ी ज़्यादा कमाल का फार्मूला इसमें मिलाया गया है। ये देख लीजिए, पेपर निग्रम, इम्बिका ऑफिसनेल, एकोरस कैलामस, सीजलम आरोमेटिकम, विथानिया सोमनीफेरा, सिन्नामिमम जिलानिकम ब्लूम, साइप्रस रोटुंडंस लिन, करक्यूमा जिडोरिया रोस, अधा टोडा वासिका, ओस्मम सैंक्टम, मेंथा वेरिडिस, सिसम्पिलोस पेरेरा, जिंजीबर ऑफिसनेल, पाइपर लॉन्गम, इलेक्टेरिया कार्डामोम,
क्रोकस सैटिवस और साइट्रिक एसिड को मिलाया गया है। यह सिरप पूरी तरह से GMP सर्टिफाइड है, तो आप इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, 100% ये आयुर्वेदिक है। इस सिरप में कोई भी नुकसान करने वाली चीज़ नहीं मिलाया गया है, तो आप बेहिचक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आप इसको इसके कस्टमर केयर नंबर से, अमेजन से, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से www.asthakesari.com से भी मंगवा सकते हैं। मैंने सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको जहाँ से सुविधा पड़ेगा आप वहाँ से इसको मंगवा लीजिएगा। और आपको बरसों पुरानी खांसी, दमा या फिर बार बार छींक आ रहा है, नाक से पानी निकलता रहता है, गाढ़ा बलगम बना रहता है, सीने में बलगम जमा रहता है, या फिर आपके कान में आवाज आता रहता है, सिर दर्द बना रहता है और आपके नाक की हड्डियां बढ़ गई हो, डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने के लिए बोला है, तो आप एक बार इस आस्था केसरी सिरप का इस्तेमाल कर लीजिए। इस दवा की गारंटी है कि आपको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी दिन से परेशान हैं, अगर आपका सांस फूल रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, आपको सांस फूलने की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, चाहे आपको कितनी भी पुरानी समस्या क्यों ही ना हो। तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप इस सिरप को एक बार इस्तेमाल जरूर कीजिए और इस्तेमाल करने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को इस सिरप के बारे में पता चल सके और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकें, महंगे इलाजों से बच सकें। तो उम्मीद है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारी वीडियो को आप फेसबुक पर, ऑटो प्ले पर, यूट्यूब पर, हर जगह देख सकते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।